सबसे पहले मैं इस साहित्यिक बतकई के फेसबुक मंच को प्रणाम और इनके साथ साथ मुख्य रूप से धन्यवाद के पात्र हैं अजय जो हमारे विद्यार्थी भी हैं BHU में, और अजय के साथ जो बाकी टीम है इसको निर्मित करने वाली, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार कि आपने मुझे आपके इस फेसबुक लाइक समझा और इस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका या अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। और मेरे जो भी जितने भी सहकर्मी मित्र देखने सुनने वाले मेरे विद्यार्थी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी व्यस्तताओं के बावजूद समय निकाल कर लक्ष्मी नारायण लाल के नाट्य साहित्य को सुनने के लिए आपने ये इतना व्यस्त समय निकाल करके आपने इस पे आए, इसके लिए भी आपका बहुत आभार। आज हम बात करेंगे कि लक्ष्मी नारायण लाल क्यों उनका साहित्य आज के समय में प्रासंगिक है, जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र की जैन शताब्दी मनाई जा रही है, जन्म शताब्दी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी उसी आधुनिक काल के विद्वान जिनके समय को या जिनके समय से कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से नाट्य साहित्य या नाट्य विधा की शुरुआत होती है, वहीं से नाटकों का जन्म होता है हिंदी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, आज़ादी के बाद में, और सबसे बड़ा एक और नाम है लक्ष्मी नारायण, जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, ये तीन चार नाटककार ऐसे थे जो नाट्य साहित्य के माध्यम से जो आधुनिक रंगमंच था, जो पाश्चात्य प्रभाव से या पश्चिम के प्रभाव से कहीं ना कहीं पूरी प्रभावित था, तो उसको एक नवीन दृष्टिकोण और नए चिंतन के साथ आधुनिक को या उस समय की जो समाज की समस्याएं थी उनको एक नए सिरे से हमारे सामने ला रहे, और इन नाट्य साहित्य के माध्यम से समाज में जितनी भी जो दुर्दशाएं थी, जितनी भी विसंगतियां थी, चाहे वो राजनीति के स्तर पर हों या अज्ञानता के स्तर पर हों, या हम कह सकते हैं कि जो गरीबी उस समय थी के दौरान जितने तमाम तरह के जो अत्याचार और नियमों की वजह से जो भारतीय समाज बिल्कुल कमज़ोर और बिल्कुल एक तरह से वो हो चुका था, उन सारी समस्याओं को, उस समय की जो भी घटनाएं घट रही थी और उस समय के समाज का जो यथार्थ सच था, उसको लक्ष्मी नारायण लाल ने बहुत बड़े स्तर से अपने नाट्य साहित्य के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। और लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश के बाद या जयशंकर प्रसाद के बाद, आज़ादी के बाद के समय के एक ऐसे बड़े नाटककार के रूप में इनकी पहचान होती है, जो बाहर जो एक तरह से पाश्चात्य प्रभाव को बिल्कुल नकारते हैं। जयशंकर प्रसाद फिर भी पाश्चात्य और भारतीय रंगमंच का समन्वय देखते हैं या उनमें सामंजस्य की बात करते हैं बिल्कुल, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत लक्ष्मी नारायण लाल पश्चिम की जो नीति है नाट्य या रंगमंच में, उसको पूरी तरह से नकारते हुए वो भारतीय समाज के जो जीवन मूल्य हैं, भारतीय संस्कृति तत्व है, जो भारतीय सनातन दृष्टि है, उनको अपने नाटकों में या अपने साहित्य के माध्यम से वो भारतीय समाज में एक तरह से जन चेतना का जगाने का भाव पैदा कर रहे थे। पश्चिम वाली जो अवधारणा थी या पश्चिम की जो नीति थी उसको पूरी तरह से वो खारिज करते हैं, उनसे पूरी तरह से वो असहमत होते हैं, और इन्होंने नाटक ही नहीं लिखे, इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, आलोचनाएं भी की हैं, उपन्यास भी कम से कम 10-15 उपन्यास लिखे हैं, 8-10 कहानियां लिखी हैं, एकांकियां लिखी हैं, और आपको सबसे बड़ी
महत्वपूर्ण सूचना या जानते होंगे कि इन्होंने जो शोध कार्य अपना किया था, इनकी यात्रा वही ग्रामीण जीवन से प्रयागराज होते हुए दिल्ली और विदेश तक की यात्रा है। तमाम बड़े देशों में ये अपनी नाट्य रचना के माध्यम से या साहित्यिक रचना के माध्यम से भारतीय सनातन मूल्य हैं या भारतीय जो जीवन मूल्य हैं उनको अपनी रचनाओं में पूरी तरह से सामने ला रहे थे। और नाटक को एक तरह से रंगमंच और नाटक को एक दूसरे का पूरक मानते थे, दोनों को अलग नहीं मानते थे। और रंगमंच को हमेशा ये इनका ये कहना था कि रंग है या मंच वाली जो अवधारणा है वो तो पश्चिम की है। मंच शब्द ही अंग्रेजी के ड्रामा से निकला है, जो ड्रामा रूपी अनुवाद से। भारतीय अवधारणा में जो रंगमंच है उसका संदर्भ ये रंग भूमि से जोड़ते हैं। रंग का अर्थ ही एक प्रकार से इनका कहना था कि भूमि है, और भूमि का संबंध ये जिस तरह से प्रकृति से जोड़ते हैं कि भारतीय रंगमंच में या भारतीय संस्कृति में हम जिस तरह से भूमि या प्रकृति को अपनी सहकर्मी, सहधर्मी, अपना सहयोगी या कई तरह से उनको या अपना हितेशी, कई रूपों में प्रकृति का जो मानव के साथ जो संबंध जोड़ते हैं उस रूप में देखते हैं। और इनका कहना है कि विदेश में या पश्चिम की जो संस्कृति है उनकी नाट्य संस्कृति में जो प्रकृति है वो विरोध के रूप में या बैर के रूप में, दुश्मन के रूप में आती है। वहाँ प्रकृति मनुष्य की एक तरह से सहयोगी के रूप में नहीं है। तो इस तरह से रंगमंच वाली अवधारणा को ये परिभाषित करते हैं। और सौदार में एक ऐसा शब्द है इनकी नज़रों में, ये बार बार बोलते हैं, पढ़ने लिखने को ये सौदार्य मानते हैं और कहते हैं कि सौदार्य जैसा शब्द है अगर उसको एक आम आदमी पहचान जाए, क्योंकि इनकी रचना की जो विविधता है ये नाटक में ही रुचि नहीं है, इनकी उपन्यास, कहानी और अलग अलग विषयों में, उस संदर्भ में कहते हैं कि सौदार्य को अगर आम आदमी पहचान जाए तो जीवन में सबसे बड़ा या सबसे बड़ी जो उसकी उपलब्धि वो सौधर्म से बड़ा कोई उसके जीवन का एक तरह से कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सौधर्म में वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सौधर्म को वो पुरुषार्थ से जोड़ रहे हैं और वो सौधर्म को एक प्रकार से एक तरफ से पुरुषार्थ रूपी शब्द को वो पढ़ने लिखने को लेकर के विश्राम से भी जोड़ते हैं और विश्राम शब्द को श्रम सौधर्म से जोड़ते हुए इस तरह से सामंजस्य स्थापित करते हैं कि विश्राम यानी उस पढ़ाई को लेकर के कि ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में मैं जब नाटक लिखता हूँ तो नाटक लिखते लिखते जब थक जाता हूँ तो मैं विश्राम के रूप में उपन्यास लिखने लगता हूँ और उपन्यास लिखते लिखते जब थक जाता हूँ तो मैं आलोचना लिखता हूँ और आलोचना करते करते जब मैं थक जाता हूँ या विश्राम करता हूँ तो मैं कहानियाँ लिखता हूँ। यानी उनके साहित्य की या उनका लेखन की जो एक तरह से इतनी विविधता भरी हुई है कि ऐसा नहीं है कि वो नाटक के माध्यम से ही समाज में जो उस समय की जो घटना घट रही थी या उस समय का समाज का जो यथार्थ जो रूप था, चाहे वो किसी को समझ लो, चाहे अज्ञानता का हो या अंधविश्वास का हो या मध्यकालीन जितनी भी तमाम रूढ़ियाँ, परंपराएं, जितने भी अंधविश्वास या अशिक्षा, जो गरीबी, उनमें सब में एक तरह से वो पिसा हुआ था और उनमें तमाम तरह के जो कई रूपों में जो शोषण हो रहा था उसको ये अपनी रचनाओं में अलग अलग तरीके से उठाते हैं। और इनकी रचनाओं का जो विषय है आप देखोगे, इनके नाटक कोई एक या दो नाटक नहीं है, इन्होंने कम से कम 32-34 के आसपास नाट्य रचना की है। और जैसे सबसे पहले इन्होंने डी फिल यानी इनका जो शिक्षा का जो शोध का विषय था हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास, कहानियों में इन्होंने रिसर्च किया और इनका जो नाट्य लेखन के प्रति जो रुझान हुआ रंगमंच के प्रति उसमें सबसे पहले
ये एकांकियों की रचना करके, एकांकियों के माध्यम से नाट्य रचना में आते, जो नाटकों की रचना करते हैं, क्योंकि इनका जो समय था वो प्रयागराज, जो आज का पहले का इलाहाबाद और प्रयागराज के रूप में जिसको हम जान रहे हैं, वहाँ पर रामकुमार वर्मा की एकांकियों का बोलबाला था, उनका दबदबा था, क्योंकि रामकुमार वर्मा की एकांकिया एक छत्र उस समय छाई हुई थी। तो इन्होंने उस समय लिखते भी हैं, ये ताजमहल के आंसू जैसी एकांकियाँ भी लिखते हैं, और वहाँ से फिर धीरे धीरे ये जो नाट्य संस्थाएँ भी स्थापित करते हैं, जन्मदिन पर भी कुछ नाटक से जुड़ी संस्थाएँ स्थापित करते हैं, और हर बार इनका एक ही दृष्टिकोण होता है कि जो भारतीय नाटक हैं, जिस तरह से वो फारसी प्रभाव से या पश्चिमी प्रभाव से जो लिखा गया है, उससे प्रभावित होकर के जो जिस तरह से वो भारतीय साहित्य या भारतीय समाज की या भारतीय समाज में जो चीज़ें घट रही है उनको उस रूप में ला रहा है, तो इनका एक ही विचार हुआ करता था या एक ही चिंतन, एक ही दृष्टि थी कि भारतीय साहित्य में या भारतीय जितने भी जीवन मूल्य हैं, जितने भी संस्कार हैं, संस्कृति के जितने भी आदर्श तत्व हैं, जो भी भारतीय सनातन दृष्टि है, उनको स्थापित करने का पूरा वर्षक प्रयास इनका हमेशा रहता था, और उन्हीं के माध्यम से ये जनता को जागरूक और सचेत करने का एक तरह से बीड़ा उठाए रखे थे। लोक जीवन इनके नाट्य साहित्य में बड़ी मात्रा में आपको मिलेंगे, पौराणिक कथाओं के माध्यम से, मिथकों के माध्यम से ये नाटकों की जो रचना करते हैं उनको आधुनिक या उन पात्रों को आधुनिक चरित्रों में डाल करके हमारे सामने आज के समाज का जो सच है, चाहे वो राजनीति स्तर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्त्री पुरुष संबंधों के बीच में जो विभेद हो रहा है, जो टूटन वाली स्थितियां हो रही है, राजनीति में जिस तरह से जो षड्यंत्र या जो करप्शन की मात्रा है, हर आदमी किस तरह से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहा है, प्रशासनिक या नौकरशाह किस तरह से अंदर जाते हैं व्यवस्था में बहुत कुछ सुधारने के लिए, और वो एक प्रकार से अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह को, भ्रष्टाचार रूपी चक्रव्यूह की सरकार की उस नीतियों का खुलासा करना चाहते हैं, परंतु वो चाकर के भी उनसे नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनके सामने उनकी भौतिक सुख सुविधाएँ, उनका परिवार, उनका मान सम्मान, तमाम तरह की, हालांकि इस तरह के नाटक भी लिखे हैं, मिस्टर अभिमन्यु, उसमें राजन नाम होता है और वो कोशिश करता है, तो आगे हम बात करेंगे इनके छोटे छोटे नाटकों पर। दूसरी तरफ कहना है कि मंच का रंग से कोई संबंध नहीं है। अभी मैंने बताया कि रंग संबंध सिर्फ भूमि से मानता है, और भूमि का संबंध ये प्रकृति से है, प्रकृति और भूमि जो अपने भारतीय संस्कृति में मनुष्य की एक सहधर्मी, एक उसकी सहयोगी के रूप में, और पश्चिम में वो एक प्रकार से विरोधी के रूप में, तो इस तरह से इनके नाटकों में वो सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। मोटे मोटे अगर हम इन नाटकों की बात करें तो सबसे पहले इनका जो नाटक 1955 में लिखा गया था वो था अंधा कुआ, उसके बाद में इनके नाटकों की शुरुआत चलती है रात रानी, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिशन, टंकी, अब्दुल्ला दीवाना, सूखा सरोवर, रक्त कमल, पंच पुरुष, सगुण पंछी और एक अरुण कमल, कुछ नाटक इनके जैसे सगुण पंछी है, पहले तोता मैना के नाम से था, फिर इनको बदला, और एक अरुण कमल नाटक है वो एक गुरु जो चाणक्य की नीतियाँ या चाणक्य की जो उसके आधार पर लिखा गया था, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, लंका कांड, कजरी वन, व्यक्तिगत यक्ष पर्सन, कर्फ्यू, सूर्यमुख, सुंदर रस, सूखा सरोवर, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, तमाम ऐसे नाटक हैं इनके। हर नाटक एक अलग दृष्टिकोण से लिखा है, जो अभी पहले बात हुई थी, चाहे दहेज की समस्या हो या स्त्री को शोषण
के में देखना, बहुत नाटकों में स्त्री प्रतिरोध के रूप में भी खड़ी है, और ऐसे नाटक भी हैं जिनमें स्त्री और पुरुष दो अलग अलग होते हुए भी जब यौन संबंध बना रहे हैं तो वो अपने आप को दोनों परिवारों को, चाहे वो दोनों दंपति हो, पराए या परपुरुष से संबंध बनाते हुए उनको किसी तरह का कोई कष्ट, कोई अपराध बोध नहीं हो रहा है। वो यही सोच रहे हैं कि ये आज के समय की मांग है। कर्फ्यू नाटक को अगर बात करें तो कर्फ्यू नाटक में सिर्फ चार पात्रों पर वो नाटक है, और उसको आधुनिक जीवन से इस तरह डाला गया है। कविता, मनीषा, गौतम इस तरह के पात्र हैं उसमें, चरित्र दोनों एक दूसरे से अलग हैं। और जब शहर में कर्फ्यू लगता है, दरअसल वो कर्फ्यू शहर का नहीं, उनके जीवन का कर्फ्यू है, जिसमें हम स्त्री को एक प्रकार से अपनी वस्तु समझ रहे हैं। वो उस गुठन, उस कमरे का, वो जो चारों तरफ की वो परंपराएं, समाज की वो मान्यताएं, वो रूढ़ियां, जिनको मानना एक तरह से स्त्री के लिए इतना मजबूर कर दिया जाता है कि तुम्हें मानना ही होगा, इनसे बाहर जाओगी या इस दहलीज को पार करोगी तो तुम एक तरह से कुलक्षणी और तुम चरित्रहीन और तमाम उनको नामों से, उस तरह से अचानक शहर में कर्फ्यू लगने से वो एक दूसरे के घरों में, वो जो मनीषा और कविता है वो पहुंच जाती है, और जब संबंध बनते हैं और सवेरा वही कर्फ्यू हटता है तो आपस में एक दूसरे से जब मिलते हैं वो परिवार, तो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि हमने क्या कल रात को इतनी बड़ी जो भी गलत किया, जो समाज की नज़रों में उनके चरित्र में इस तरह का कोई गलत नहीं है। तो वो अंत में इस बात को मानते हैं कि यही जो सच है वो आज के जीवन का है, और इसे आज के समय का सच मानना पड़ेगा और इसे स्वीकारना भी पड़ेगा। अगर हम इस रूपी कर्फ्यू को एक दूसरे के ऊपर थोपेंगे, बांध कर रखेंगे, गांव में रखेंगे, तो जो मस्तिष्क विवेक जो है, काम करने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं हम जो स्वतंत्र रूप से जो चीज कर सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा वो कर्फ्यू रूपी बंधन है वो हर वक्त रोड़ा रहेगा, और जब काम नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से तो आधुनिक जो जिस गति से जो जीवन है उसके साथ हम बढ़ नहीं सकते। तो ऐसे तमाम तरह के विचार इनके साथ में उस नाटक में लेखक उसको आधुनिक जो स्त्री पुरुषों का जो जीवन रूप में दिखाते हैं। अंधा कुआ नाटक है, वो पूरा का पूरा स्त्री पण लिखा गया है, किस तरह से स्त्री का शोषण समाज करता है और कैसे उसको, स्त्री को सिर्फ एक उपभोग की और दोयम दर्जे का, जिसको कह सकते हैं कि कोई उसका महत्व नहीं है, यानी कहने का मतलब ग्रामीण समाज का जो यथार्थ है उसका जो सच है, और वही सच आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जो भारतीय ग्रामीण समाज में अगर हम नज़र डालेंगे तो उस तरह का सच आपको दिखाई देगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी इस नाटक की एक लाइन आपको बताऊंगा, उससे आपको लगेगा कि कितना ज़बरदस्त इसने नाटक लिखा था, जो सबसे पहला नाटक था, और ऐसा लगता है कि आज भी हमारे ग्रामीण समाज में ये चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि का जो वो समय था वो गांधी जी का पूरा युग वाला, और गांधी से बहुत बड़े स्तर पर ये प्रभावित होते हैं। हाँ, जिस तरह शोषण की जो विभिन्न परतें हैं, भीम सिंह जी ने कहा है, वो इनके नाटकों में देखे जाएगी। और वो एक छोटी सी चीज, यानी वो अपना भाग्य ही मान रही है उसको सब कुछ, और वो एक बात यहाँ पर बोलती है। सूखा इस नाटक में एक स्त्री पात्र है, और भगवती उसका पुरुष है जो अविवेकशील और दारुदा है। वो कहता है कि तू ही सब कुछ करेगी, मैं इस घर का पुरुष हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तू कुछ नहीं है, तू सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो सुनने के लिए है। यहाँ पर देखो काका, इसी दाएं पैर से इसने मेरे पेट में मारा था, कलेजे से लेकर पेट तक पत्थर जैसी गांठ पड़ गई है। जब पूर्वैया बहती है तो अन्न को कौन कहे, मैं एक बूंद पानी तक नहीं घूट पीती, दर्द के मारे मुर्दा हो जाती हूँ। ये जो भारतीय स्त्री के शोषण का, हत्याचार का जो चरित्र है, वो आज भी आपकी आंखों के सामने भारतीय ग्रामीण समाज में
आपको बहुत बड़े स्तर पर ये चीजें दिखाई देगी अगर आप गहराई से इन चीजों को देखोगे तो। आदमी के साथ अत्याचार या उनके साथ पिटाई बहुत छोटी सी आम बात है। जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो खेतों में काम कर रही है, जो मेहनत करके या घर में जो भी भैंस सारा गाय जो भी अपना घर में मवेशी पशुओं को उनके ऊपर निर्भर रह रही है या पुरुष के ऊपर निर्भर है वो पूरी तरह से, उनको आज भी इस तरह के अत्याचारों से सहना पड़ता है। और वो सिर्फ अपनी दुख का आस पड़ोसियों को ही या अपने परिवार को ही। और देखिए यहाँ पर भगवती को कोई नहीं कह रहा उसके पुरुष को कि तूने ऐसा क्यों किया और यह आज इस तरह से हो, क्योंकि इन परिवार उसमें भी स्थितियां थी, उनको मान सकते हैं कि वो मध्यकाल या जो भी। आज भी हमारे समाज में अगर एक परिवार में लड़ाई या इस तरह के झगड़े होते हैं उनको कोई टोकता तक नहीं है। और यही नहीं टोकना अत्याचार को एक तरह से बढ़ावा देता है उनमें, उन जैसे जो समाज में और भी बाकी लोग हैं उनमें एक प्रकार से ताकत का एहसास कराता है। और ये चीजें जो सारा का सारा जो समस्याओं का जड़ है इसमें, इसमें यह है कि जो अविवेकशीलता है, अज्ञानता है, एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं कि उस समय जो शोषण का वो था कि यहाँ भाग्य ही सब कुछ है। यह स्त्री समझती है कि मेरे भाग्य में यही पति है। वो क्या है, वो भारतीय समाज की जो स्त्री है उसके वो संस्कार हैं और वो ये समझती है पति चाहे मेरे सब कुछ मेरे ऊपर अत्याचार करे मुझे इसे स्वीकारना है। आदर्श तत्व थे भारतीय नारी के जो उसको ज्यादा से ज्यादा शोषित करते हैं, जबकि ये अब उसकी उनके ऊपर पर निर्भरता वाली बात हो या वो आत्मनिर्भर न होने की बात हो, तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उस समय की स्त्री तमाम अत्याचार सहने के लिए मजबूर थी। और इसीलिए भारतेंदु भी स्त्री जाति को लेकर, उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर तमाम तरह से के उस तरह से स्कूल और विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए पत्रिकाएं निकालते थे, नीलदेवी नाटक भी पूरा का पूरा महिला जागरूकता को लेकर के वो लिखते हैं, मात्र भगिनी सखी तुलना आर्य ललना गण को, कि हमारी में माता बहने अगर अंग्रेज स्त्रियों की तरह आत्मनिर्भर हो, गोरी चिट्टी हो, तो कितना कुछ अच्छा हो, ऐसा वो आदमी सोचता था। और उसी तरह की स्त्री की जागरूकता या स्त्री को लेकर के एक प्रकार से आत्मनिर्भरता की बात लक्ष्मी नारायण लाल भी अपने बहुत नाटकों में करते हैं। आगे मैं आपको एक नाटक इनका रात रानी नाटक है जो 1962 में लिखे इन्होंने, और इस नाटक में मानव मन के जीवन का जो यथार्थ है उस यथार्थ को पूरी तरह से ये सामने रखता है। समस्याएं हैं उस समय की और उन समस्याओं का जो सच है, अब वो समस्याएं चाहे दहेज की हो, स्वेच्छा से विवाह करने वाली हो, हड़ताल की समस्या हो, भूख की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, नारी के बदलते जीवन मूल्यों की समस्या हो, शोषक और शोषित की समस्या हो और रंगमंच के लिए दर्शकों की समस्या हो, ये सबसे बड़ी बात रात रानी नाटक में। यानी रंगमंच की भी एक तरह से उस समय भी समस्या थी और आज भी समस्या है। रंगमंच को या इस कला को बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं दर्शकों, क्योंकि नाटक की जो भिन्नता है या नाट्य रचना या नाट्य लेखन की जो जो एक प्रकार से महत्ता है या उसकी जो उपलब्धि है वो रंगमंच से जुड़ी हुई है। अगर कोई नाटक रंगमंच पर जब तक पूरी तरह से मंचित नहीं हो रहा है तो एक प्रकार से माना जाता है कि वो सफल नहीं है या कई तमाम तरह से। और उसके लिए नाटककार को नाट्य रचना करने से पहले दर्शकों का भी एक तरह से ध्यान रखना पड़ता है। नाट्य रचना जब नाटककार के विवेक में जो सृजन की जब शुरुआत होती है तो वहाँ से लेकर के वो अंतिम चरण तक जो दर्शकों रेस्पॉन्स मिलना है दर्शकों तक, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर
नारायण लाल इस नाटक में उस समय 62-63 में ही दर्शकों की भी समस्या उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस रात रानी में कई तरह की समस्याएं हैं और इनको वो पारिवारिक समस्याएं तो है ही इस नाटक की मुख्य चीज, और जिसमें दहेज और स्वेच्छा से विवाह भी नहीं कर सकते और महिला की स्वतंत्रता या और तमाम तरह के जो शोषण वाली है वो सारी चीज़ें आती हैं कि जिस तरह से आधुनिकता के नाम पर जो तमाम तरह के जो नेता हैं पूंजीपति वर्ग जो है वो उस समय भी धनाढ्य अगर है वो धनाढ्य होता जा रहा है, ताकतवर हर दृष्टि से ताकतवर बन रहा है वो, चाहे प्रशासनिक हो चाहे समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा हो तमाम तरह से, और दो अगर उल्टे काम करके भी वो कर रहा है तो भी उसको समाज कुछ नहीं कर रहा है या उनको किसी तरह कोई समस्या, और आज भी उसी चीज़ें हमारे समाज में आपको दिखाई देगी। तो उनका भी पूरी तरह से एक प्रकार से ये इस नाटक में बहुत बड़े स्तर से चित्रण करता है, और एक प्रकार से इसी नाटक में रात रानी में मुख्य जो पात्र की बात आती है जयदेव और कुंतल, दो पात्रों पर ये नाटक चलता है, जयदेव का धनाढ्य और अमीर परिवार का। ये इसमें दहेज की जो समस्या है, दरअसल उस समय की दहेज की समस्याएं आज भी दहेज की इस तरह की समस्याएं हैं जो उस दहेज की वजह से तमाम तरह के रिश्ते आज ऐन वक्त पर टूटते हैं, या उन एंगेजमेंट होने के बाद जब समझौता होता है तो उस समय बहुत रिश्ते टूटते हैं और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सामने वाले लड़का शुरू में ये कहेगा कि हमारी कोई मांग नहीं है, परंतु अंत में आते आते वो ऐसे प्रतीक ऐसे संकेत सामने वाले लड़के वाले तक पहुंचाते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है, बहुत रिश्ते टूटते टूटते बचते हैं और बहुत रिश्ते टूट जाते हैं। और इसमें भी यही स्थिति है, जयदेव एक ऐसा पात्र है जो बहुत पूंजीपति है, शराबी है, विलासी है, कुंतल बहुत पढ़ी लिखी और बहुत सज्जन औरत है। रात रानी का जो खिलता है और पूरा जो वातावरण को सुगंधित करता है वही स्थिति यहाँ एक तरह से कुंतल की है। वो भारतीय नारी है, भारतीय संस्कारों में भारतीय जीवन मूल्यों में भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाली स्त्री है, सहनशील है, पतिव्रता है, जबकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो नाटक है ये जो जयदेव है बिल्कुल विपरीत है, न भारतीय मूल्यों में भारतीय संस्कारों में भारतीय संस्कृति में विश्वास करता है, उसको सिर्फ चिंता यह है कि मैं पत्नी सिर्फ मेरी बनी रहे, और प्रेमिका को वो एक तरह से अपने जीवन दान देते हैं, बाहर वाली को भी विश्वास करता है और प्रेमिका को ही एक प्रकार वो सबसे बड़ी भूमिका के रूप में देखता है उस प्रगति में उसके विकास में। और यह आज भी हमारे समाज में ये तत्व है, या हमारे समाज में ऐसा परिवार या ऐसी सोच वाले बहुत पुरुष आपको मिल जाएंगे जो इस तरह प्रेमिकाओं को सर्वोच्च स्थान देते हैं, उनको अपने प्रगति का सहायक मानते हैं। जो कुंतल की बात आती है कि किस तरह से कुंतल अपने पूर्व एक प्रेमी से शादी करना चाहती थी, परंतु शादी की बात आती है तो उस लड़के के घरवाले ये कहकर खारिज कर उस रिश्ते को कितना दहेज आपकी तरफ से मिलेगा, यानी प्रेम तो वो कर रहे हैं परंतु जब लड़का लड़की के वादे भी बहुत करता है और वो वादे जब धरातल पर उतारने की बात आती है, विवाह की बात आती है, यहाँ आकर वो कहते हैं कि सब कुछ फैसला मेरे घरवाले करेंगे। ये घरवाले वाले जो चीज है वो कहीं ना कहीं उस लड़के की मानसिकता का कमीनापन या उसके चरित्र का वो आपको दिखाता है, और एक समय बाद में वो उस लालच या उसका जो उनका जो एक तरह से हित देखते हैं जो दहेज वाला, उसकी वजह से वो रिश्ता चाहे कितना भी बड़ा प्रेम या वादे किए हों उन सबको वो तोड़ देते हैं। और वो इसी तरह से वो बात इसमें उन बात बड़ी मात्रा में कहती है कि इस व्यक्ति को मैं झेल रही हूँ उसके पीछे कारण है, जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करती थी वहाँ मेरी शादी नहीं हो पाई और वो टूट गया,
और वही सच्चा आज भी हमारे गांव ग्रामीण समाज में और शहरों में भी ये हम देख सकते हैं। गांव की चीज़ें जल्दी बाहर आ जाती है और ग्रामीण शहरी जीवन में वो चीज़ें कहीं ना कहीं जाती है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लैट का नीचे वालों, ऊपर वाले फ्लैट में जो परिवार रह रहा है नीचे वाले फ्लैट के परिवार वालों का कोई संबंध नहीं था, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। ग्रामीण समाज में वो चीज़ें दूर दूर तक एक दूसरे का आपस में जो जुड़ाव होता है, इस वजह से वो चीज़ें आती हैं और इस वजह से वो बड़े स्तर पर ये हमारे सामने घटनाएं घटती हुई देखी जाती है और हमारे सामने वैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। कुंतल इसमें बोलती है, दहेज में रुपयों की कमी के कारण शादी टूट गई। मेरे पिताजी लड़के वाले को अपनी खुशी से 5,000 रुपये दहेज में दे रहे थे, किंतु लड़के के पिताजी एडवोकेट साहब 8,000 से 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। मैं ये शादी क्या टूटी, पिताजी ही टूट गए। ऐसा सदमा पड़ा उन पर कि पूरा 1 वर्ष तक बीमार पड़े, पर पिताजी को इस बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। मेरे ब्याह का स्वप्न लिए हुए पिताजी स्वर्ग चले गए। यानी आप सोचो कि यहाँ दहेज की बात आती है कि इतने निर्दयी परिवार उस जमाने में ही नहीं थे, आज भी आप ऐसे परिवार आपके सामने से गुजरे होंगे या देख रहे होंगे। जब लड़की वाला थोड़ा बहुत अगर 19-20 कम होता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, ये चीज़ें तो पूरी होनी चाहिए। तो ये दहेज वाली जो समस्या है वो उस समय में भी थी और ये आज भी है। भूख की समस्या उस समय में भी थी और आज भी एक बड़ी समस्या है। भारत भूख के मामले में आप देखोगे दुनिया के नक्शे पर है, ऐसा हम इनकार नहीं कर सकते कि भारत में भूख, गरीबी, दरिद्रता ये मिट गई। बेरोजगारी वाली जो समस्या की बात है वो भारतीय समाज में पहले भी थी, आज भी बेरोजगारी हम देख रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में बेरोजगारी आपके सामने। और सबसे बड़ी बात ये समय तो था ही, इस कोरोना रूपी संक्रमण ने जो बेरोजगारी की और जो आर्थिक स्थिति जिस तरह से चरमराई है परिवारों की या देश की समाज की, उसकी जो स्थिति बनी है वो और भी ज़्यादा हमारे गरीबी या हमारी स्थितियों को और भी ज़्यादा कमज़ोर करती है। तो यहाँ पर एक प्रकार से नाटक है, दहेज तो है ही, इसमें भूख की समस्या भी है, इसमें शोषण भी है और वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उनकी जो परतें हैं, उनके जो रूप हैं वो हमारे आधुनिक समाज से हमारे इसमें बहुत उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी नाटक है छोटे छोटे, अगर बताने थोड़ा सा आपको मोटा मोटा ध्यान देता हूँ इन पर। एक नाटक इनका रक्त कमल नाटक है। इस नाटक में जिस तरह से जो सत्ता प्राप्त करने का एक तरह से चस्का है और एक प्रकार से जो नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो विचारों में एक प्रकार से मतभेद है, वो मतभेद और जो अज्ञानी जनता है, अशिक्षित समझ लो, चुनाव के समय का मामला हो या अपने तर्क करने की बात हो या अब बात या अपने अधिकारों की बात करने की हो, कई बार सत्ता के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चुनाव कर दिया जाता है जो उस राज पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, एक प्रकार से समाज को, देश को, सब जगह वो कलंकित करते हैं। ऐसे अयोग्य लोगों का चुनाव इस वजह से होता है कि हम खुद उस पर सोचने समझने की हमारे पास जो क्षमता है वो बिल्कुल भी जीरो है, शून्य है। तो ऐसे विषय भी ये इसमें उठाता है, क्योंकि इसमें वही जो सत्ता पर बैठता है किस तरह से शोषण करता है, कैसे वादे करता है जनता से और वादों के प्रमाण दिखाता है कि तुम्हारे लिए ये योजनाएं होंगी, और वो योजनाएं जिस दिन शपथ होती है चुनाव की या पार्टी जिस दिन सरकार बनाती है उसके बाद में वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। ये व्यवस्था की जो सच्चाई है वो उस समय 1962 में इस आदमी ने इस नाटक में लिखा था, और यही सच्चाई आज हमारे सामने आती है। यही राजनीति पार्टियां, यही जो सत्ता पे बैठे जो चरित्र हैं, वो अपनी सत्ता के लिए कभी
प्रांतों के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी गरीबी के नाम पर, कभी सीमाओं के नाम पर आपस में इस तरह से लड़ाते हैं और इस तरह से बड़ा बैठते हैं। तो उसका एक तरह से पूरी तरह से इस रंग में वैसे उस स्थिति का सच प्रकट करता है। और यही प्रांत, भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, ये सारी चीजें आज भी हमारी राजनीति में और समाज में आपको देखने को पूरी तरह से मिलेगा। तो लक्ष्मी नारायण लाल इतना बेजोड़ रचनाकार था उस समय, इतना जिसको इतनी विविधताओं से उसके पास ज्ञान था। उपन्यास देखोगे तो हर उपन्यास में इस तरह की, और वो लोक से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व था। लोक ग्रामीण समाज उसके जहन में बसा हुआ था। वो बार बार बोलता है कि मैं चाहे दिल्ली रहूं चाहे विदेश में रहूं, जब तक दो तीन यात्राएं महीने में ना कर लूं तब तक मेरे जीवन में एक प्रकार से सुख और शांति जैसी जो अनुभूति होती है वो होती ही नहीं है। मेरे जहन में एक तरह से गांव है, और अगर मेरे सामने रोजगार की समस्या नहीं होती तो मैं गांव को कभी नहीं छोड़ता। ये मेरा लोक, मेरे लोक में जो जीवन है और इस जीवन में जो एक तरह से जो सुंदरता है, जो हरियाली है, जो एक तरह से सुख है, वो मुझे शहर में कभी नहीं मिलता। और आप देखोगे कि पूरी की पूरी इसकी जो रचनाएं हैं, हर रचना ग्रामीण जीवन से कहीं ना कहीं पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो ये ऐसे नकार थे लक्ष्मी नारायण लाल। इसके अलावा अगर हम इनका कर्फ्यू नाटक की जब मैं बात करूं, तो कर्फ्यू नाटक में वही दो पुरुष पात्र है जो स्त्री पुरुष संबंधों में, दोनों महिलाएं घर से किसी कारण से बाहर रहती है, शहर में कर्फ्यू लग जाता है, किसी दूसरे घरों में पहुंच जाती है, और दोनों के जब संबंध होते हैं और दोनों जब एक दूसरे के घरों में अपने अपने घरों में पहुंचती है सवेरे होने के दौरान, गलती से एक दूसरे की चीज़ें एक दूसरे के घरों में छूटती है, तो उसको देने के बहाने जब वो दोनों पुरुष एक जगह इकट्ठे होते हैं एक ही घर में, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं और इस बात को आपस में स्वीकार कर लेते हैं। दोनों दंपत्ति, स्त्री पुरुष, इधर गौतम और मीनाक्षी, उधर कविता संजय, कि यही सच है और आधुनिकता की ये मांग भी है, ऐसा वो सोचते हैं इस चीज को लेकर। और ये जो कर्फ्यू वाली जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो कहते हैं कि हमारे जो मानसिक जीवन में एक प्रकार से बंधन रूपी कर्फ्यू है, उसको हमें तोड़ना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। अगर हम जितना ज़्यादा उसको बांध के रखेंगे, जितना ज़्यादा दबा करके रखेंगे, जितनी ज़्यादा सीमाओं में रखेंगे, हो सकता है कि वो ऐसा विकास कर सकता है जैसा सोच सकता है एक नया करने के लिए, वैसा वो ना सोचे। तो ऐसा इस नाटक में बड़े स्तर पर से ये लाल जी इसमें बात रखते हैं। इसमें एक प्रकार से स्त्री की मुक्ति की वो बात कर रहा है, उसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है, क्योंकि पुरुष तो आप देख सकते हैं कि वो पहले से ही अपने आप को पितृसत्तात्मक, जब से समाज चल रहा था उसी समय से वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रखा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, प्रेमिका रखूँ, विलासी जीवन जीऊँ, मुझे कोई नहीं टोक सकता, या समाज में मेरे को लेकर प्रकार से मेरे चरित्र को लेकर के भी इस तरह से, क्योंकि समाज में जो लोग जो निंदा करने वाला वर्ग है वो तो पुरुष है ना, वो स्त्रियां चाकर के भी खुलकर के विरोध उस समय नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा स्त्री समाज था ही नहीं। आज जाकर के महिलाओं को बोलने की आजादी मिली है, और वो भी कितनी आजादी, अगर कोई निष्पक्ष महिलाएं आगे आ रही है, खुलकर अपनी बात रखती हैं, अपने विचार रखती हैं, पर पुरुष के साथ अगर बैठ करके हंसती हैं, तो आज भी उसको भी एक तरह से कहीं ना कहीं इस तरह के विचार रहते हैं कि पता नहीं इसका क्या इसके साथ संबंध, ऐसी मानसिकता आज भी है। परंतु स्वतंत्र तो हुई है, इतनी मुक्त उन्मुक्त है आज वो उस समय के हिसाब से, जबकि ये लाल जी उसी समय स्त्री को मुक्त की बात करते हैं, उसी समय यौन संबंधों को एक तरह से स्वतंत्र रूप से अपनाने की बात करते हैं, जबकि वो पश्चिम वाली अवधारणा कहीं ना कहीं है, परंतु पश्चिम का जो चरित्र है, पश्चिम की जो नीति है,
उसको वो खारिज करते हैं, उससे वो असहमत होते हैं। और पश्चिम वाली वही बात भारतेंदु हरिश्चंद भी खारिज कर रहे हैं। अंधेर नगरी नाटक आप जब देखते हो या देखा पड़ा होगा, उसका पहला ही दृश्य में महंत जो गुरु अपने दोनों शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास को अलग अलग दिशाओं में यानी पूर्व और पश्चिम में भेजता है, और गोवर्धन दास को जो पश्चिम में मांगने के लिए भेजता है, तो पश्चिम का जो दृश्य है, जो द्वार है, जो नगर है, वो बहुत आनंद से है। और वो आनंद गोवर्धन दास को वहां रोक लेता है। वो जो लोभ है, उस लोभ से बचने के लिए अंधेर नगरी में या भारतेंदु अपने महंत के माध्यम से बचने की सलाह देता है कि ये लोभ है, एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पे या बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है। तो वो क्या था? वो पश्चिम वाला वो था कि पश्चिम की अवधारणा, नीतियां, जो देश, जो समाज, जो संस्कृति स्वीकार कर लेती है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपनी जो मूल अस्मिता है, अपनी जो मूल पहचान है, चाहे अपनी संस्कृति की हो, धर्म की हो, चाहे अपना लोक हो, अपना जो सनातन हो, उस जीवन को बिल्कुल भी एक प्रकार से वो खारिज कर देता है और उसको वही सब कुछ लगता है। और एक दिन जब खड़ा होकर देखता है कि मेरे पास ना तो मेरी भाषा है, ना अपनी संस्कृति है, ना अपना धर्म है, ना अपना लोक है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये सारा ही पूरा वेस्टर्न है। तो उससे बचने की सलाह उस समय में भारतेंदु भी देते थे और आज, और ये लक्ष्मी नारायण लाल भी बड़ी बात करते हैं। और आज देखो उसी पश्चिम की अवधारणा को हम किस तरह से अंग्रेजी रूपी जो संस्कृति है उसको कितना बड़ा अपना करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने आप को आधुनिक मानते हैं और कहते हैं कि हम सभ्य हैं क्योंकि हमें अंग्रेजी बोलना आता है, और तुम हिंदी के हो, हिंदी जानते हो, तुम असभ्य हो। तुम आधुनिक नहीं हो। ये बात आज भी बड़ी स्तर पर है। अंग्रेजी आपकी प्रगति में सहायक हो सकती है, अंग्रेजी आपकी योग्यता नहीं है। आपका जो जीवन है, आपका जो चरित्र है, आपकी जो पहचान है, वो आपके लोग से, आपके समाज से, आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं, आपकी मान्यताओं से जुड़ी हुई है, न कि इस पश्चिम वाली चीजों से। इन चीजों से ये लोग असहमत होते हैं और उसका बड़ी स्तर पर विरोध भी करते हैं। आगे अब्दुल्ला दीवाना नाटक की अगर बात का पूरा एक प्रकार से राजनीतिक है कि किस तरह से राजनेता लालच देते हैं और कैसे सत्ता पर बैठते हैं और राजनीति में किस तरह से नैतिक मूल्यों का पतन होता है और किस तरह से भ्रष्टाचार, स्वार्थ, अपना लालच, अपनी कुर्सी, सब कुछ वही दिखता है। इस दौरान जो नैतिक पतन समाज का और मनुष्य का होता है, जगह नए मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस बात का लाल बहुत दुखी और बहुत मानसिक रूप से चिंतित भी रहता है कि जो बड़ा वर्ग है, पूंजीपति या उच्च वर्ग है, वो अनैतिकता और फैशन के नाम पर, अनैतिकता उनके लिए एक आम फैशन हो गई है, वो गलत काम करके, खुले काम करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और वो एक पल के लिए नहीं सोचता है कि जो समाज का तुम्हारी अनैतिकता की वजह से तुम्हारे एक तरह से ये जो चरित्र हनन वाला जो खुला जो पश्चिम वाला जो रवैया है, इसकी वजह से भारतीय समाज के मूल्यों का जो क्षीण हो रहा है, उनके पतन प्रभावित होते हैं, उनकी जगह मूल्य आपकी तरफ से क्या होंगे। और आप बात करते हो कि हमारी बेटी, हमारा बेटा संस्कारवान बने, तुम दूर रहो बेटे इन चीज़ों से, यह चीज़ गंदी है, ऐसा मत देखो, वैसा मत सोचो। हमने जब उन चीज़ों को हम खुद गलत कर रहे हैं इस समाज में, नहीं तो ऐसी जगह, दूसरी जगह कर रहे हैं, है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही भारतीय मानव रूपी समाज है। बहुत लोग एक जगह से दूसरी जगह ये सोच करके उन अपनी संस्कृति का एक तरह से चीरहरण करते हैं कि मुझे यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ, परंतु वो ये चीज़ नहीं सोचता या ये चीज़ भूल जाता है कि मुझे देखने वाले सब हैं, प्रकृति देख रही है मुझे, अन्य मनुष्य, भारतीय मनुष्य जो प्राणी है वो देख रहा है मुझे, ये लोग देख रहा है,
मुझे संसार जगत की हर चीज़ मुझे देख रही है, तो कहीं ना कहीं मैं इनको गंदा करने में, वो अगर ये सोच ले कि नहीं मेरे इन कार्यों से ये सारा समाज प्रभावित होगा, तो मैं मानता हूँ कि वो ऐसा कार्य ना करें। और जो आज के समय में जिस तरह से हमारे समाज का जो नैतिक पतन हुआ है, मूल्यों का जिस तरह से जो हाथ एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं कि जिस स्तर पर मूल्यों की एक तरह से मूल्यहीनता हुई है, जो इतने अनमोल संस्कृति के जो तत्व थे जिनकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती थी, उनका आज पूरी तरह से एक प्रकार से क्षणिक भी नहीं बचा है, कहीं नहीं बचा है। संवेदनाएं बिल्कुल भी है नहीं। और आधुनिक नाट्य साहित्य में लक्ष्मी नारायण लाल इन संवेदनाओं की बात करते हैं, मनुष्य के परहित की बात करते हैं, पश्चिम वाली सोच और उसकी नीति का वो विरोध करते हैं, और जो भौतिकवादी सभ्यता है व्यक्तिगत स्वार्थ की, उसको पूरी तरह से वो खारिज करता है। व्यक्तिगत नाटक में भी वही एक तरह से पुरुषवादी उस अहंकार का चित्रण है, जिसमें एक कमजोर परिवार की लड़की अगर उसके साथ ब्याह दी जाती है, तो उसका शोषण वो ऐसा नहीं है कि दहेज के लिए हो, कई तरह से उनका शोषण करता है कि मेरे लिए ऐसी ऐसी लड़कियां आ रही थी, इतने पैसे दे रहे थे, परंतु कोई बात नहीं हमने कर लिया, ये है वो है, तो वो क्या है, वो भी एक स्त्री का शोषण है। तो इन्होंने बहुत ही एक प्रकार से अलग अलग रूपों में, अलग अलग चरित्रों के रूप में, अलग अलग दृष्टिकोणों से शोषण का इन्होंने एक प्रकार से खुलासा किया है। और जो आज भी हमारे समाज में हम देखते हैं कि एक बौद्धिक पढ़ी लिखी सक्षम नारी या स्त्री या लड़की आज भी वो पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं, उन्मुक्त होकर के वो कहीं हंस नहीं सकती, अपना फैसला नहीं कर सकती, अपनी अपनी जो सोच है उसको में लागू नहीं कर सकती, उसको हर जगह उसी पुरुष से सहमतियां लेनी पड़ती है। गलती से कई बार वो अगर गलत फैसला कर देती है, तो वही परिवार में तांडव झगड़ा करते हैं कि नहीं तुमने ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा है वैसा है वैसा है। तो इससे पहले ही कहते होंगे कि एक बड़ी मात्रा में तमाम जगह फैसले होते हैं, तो ज़्यादातर महिलाएं यही कहती हैं कि हाँ हम इस विषय पर कल आपको जरूर बताएंगे। वो कल वाला का मामला क्या है, वो कल वाला यह है कि परिवार में पूछने के बाद ही इस विषय पर हमारे आगे कमेंट होंगे, यानी आज भी वो स्वतंत्र रूप से चाह करके भी उस समय अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख सकती, क्योंकि उसको पता है कि परिवार में पीछे किस तरह की चीजें हैं और किस तरह का मेरा परिवार है। एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक, ये एक पौराणिक चरित्र के माध्यम से समाज का जो सच है उसको इन्होंने बहुत अच्छे से, और किस तरह से आम आदमी का मुखौटा पहनता है, सत्य हरिश्चंद्र की आप कथा सब जानते हो, और निम्न जातियों का जो उच्च वर्ग है या राजनीति पार्टियां हैं, किस तरह से निम्न वर्ग, निम्न समाज और निम्न जातियों का विश्वास जीतता है, और उस विश्वास जीतने के लिए तमाम तरह के मुखौटे अपनाते हैं, और फिर बाद में शोषण की अपने तरह से अलग अलग प्रवृत्तियाँ वो दिमाग में या विवेक में सोचता है। ये सारा का सारा एक सत्य हरिश्चंद्र में, जिसमें पाप पुण्य कर्म फल जैसी चीजें आम जीवन या आम समाज के लिए रखी हुई है, उच्च वर्ग या उच्च समाज या वो ऐसा समाज जो इनको कोई महत्व नहीं दे रहा है। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उस समय में जिस तरह से सत्य हरिश्चंद्र, जो आज का हरिश्चंद्र एक आम आदमी का, इसमें हरिश्चंद्र है, इसमें पाका है, वो लोका एक आम आदमी का प्रतीक है जो दलितों की पिछड़ों की आवाज है। और वही बात राम की लड़ाई नाटक इनका जो है, उसमें राम गुलाब नामक जो चरित्र है वो एक आम आदमी का, सामान्य आदमी का, साधारण जन का प्रतीक है, जो अपने समाज की आवाज उठाना चाहता है, राजनीति में या समाज में जो उच्च वर्ग है, जो पावरफुल वर्ग है,
वो उसकी आवाज़ को कई तरीक़ों से दबाता है, चाहे वो उसको उल्टे पुल्टे केस लगा करके, और वो यहाँ तक भी कहता है कि मैं दंगे करवा दूँगा, प्रशासन मेरे हाथ में है, पुलिस मेरे हाथ में है, सरकार मेरे हाथ में है, तू कहाँ लड़ेगा, कहाँ तक जाएगा। यानी एक समाज में अगर एक आदमी ये सोचता है कि मैं समाज को कहीं ना कहीं इस हास्य धरातल से, इस दबे कुचली जो स्थितियां, इनसे कहीं ना कहीं मैं भी इनके जो सारे अधिकार है वो दिलाऊं, परंतु जो सोचता है ऐसा आदमी, उसकी सोच को पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये एक प्रकार से इस तरह का नाटक राम की लड़ाई है, और ये जो एक सत्य हरिशन में भी है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक है वो। मिस्टर अभिमन्यु जो महाभारत का अभिमन्यु है, वो तो चक्रव्यूह को भेदन या चक्रव्यूह भेदने की जो क्षमता है उसके लिए वो उसमें प्रवेश कर रहा है, परंतु वो ईमानदारी से कोशिश करता है, और उसमें वो कोशिश करने के बावजूद वो असफल रहता है, यानी वो हार करके भी विजय है, महाभारत वाला अभिमन्यु। परंतु इसमें जो अभिमन्यु है, आधुनिक अभिमन्यु, इसका नाम मिस्टर अभिमन्यु नाटक है, और इसमें एक चरित्र है राजन, मिस्टर अभिमन्यु जो राजन है वो कलेक्टर बनता है, नौकर है, और शुरू में वो चाहता है कि मैं ये भ्रष्टाचार रूपी जो चक्रव्यूह है उसमें वो जाता है, उसका भेदन करने की या उसको तोड़ने की, उस भ्रष्टाचार को मिटाने की मां मैं से सपने देखता है। परंतु वो जब जाता है, उसकी पत्नी जो है वो बहुत विलासी है, भौतिकता में विश्वास कर रही है, और वो कोशिश कर रहा है शुरू शुरू में सामने, धीरे 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 वही परिवार की सुख सुविधाएं, वही परिवार की संपन्नता, वही पत्नी की भौतिकताएं, चारों तरफ से उसको इस तरह मजबूर किया जाता है कि तू ये आलतू फालतू जो उजागर कर रहा है, ये तुझे क्या लेने देना, क्या मतलब है तुझे। और वो खुद भी उस भ्रष्टाचार, उस राजनीतिक भ्रष्टता में शामिल होता जाता है, और वो जो जिस सोच के साथ उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए, भ्रष्टाचार रूपी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाता है, एक दिन वो उस चक्रव्यूह में ही खुद शामिल होता है। तो यहाँ पर आज का एक ऐसा सच है कि जितने भी नौकरशाह या जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था आप देखोगे, अगर वो चाहें तो क्या किसी की हिम्मत है कि भ्रष्ट व्यवस्था हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको सब पता है कि कल कितना करप्शन से सौदा होने वाला है, और उसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी है। अगर वो ये सब नहीं करे तो उनकी जो विलासिता है, जो चाहे व्यक्ति रूप में सुविधाएं हैं, वो जानते हैं कि सारी खत्म हो जाएगी, और वो सोचते हैं कि हम क्यों करें समाज के लिए, हमें क्या मिलने वाला है, हमारी सुविधाएं कहाँ से आएगी। तो ये अपना जो नैतिक कर्तव्य है, या अपना जो ईमानदारी का जो कर्तव्य है, उनको जो दिया जाता है या संविधान ने उनको दे रखा है, उसको आज भी हम देखते हैं कितने नौकरशाह होते हैं जिनकी तनख्वाह या तनख्वाह कितनी को होती है, और जब पता चलता है कि 10 साल की नौकरी में 100 करोड़ 200 करोड़ ये क्या है, ये सारा मिला जुला एक प्रकार से पूरे के पूरे कई योजनाएं तो वो कागजों में पूरी करते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, तो कहीं ना कहीं वो। तो इस तरह की राजन के माध्यम से ये पूरा का पूरा जो है, और जो ये सोचो कि ये लिखा गया था 1971 में ये नाटक, यानी भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ना तो बहुत दूर की बात है, इसी में कलेक्टर या इसी में नौकरशाह उससे साथ मिला रहता है कि मुझे यहां से प्रमोट करके मुझे उस जगह पर भेज दो ताकि वहां कमाई ज्यादा है, वहां माल ज्यादा मिलेगा, वहां मेरा आमदनी ज्यादा होगी, ऐसा गठजोड़ करता है। और एक बात इसमें ही वो एक चरित्र बोलता है, अरे तुम्हें क्या करना है इस व्यवस्था की नीतियों को, इसकी जो अनीतियों को उजागर करके, तुम्हें रिटायरमेंट के बाद में भी बड़े पद पर पहुंचना है कि नहीं, सरकार में तुम्हें कहीं का चांसलर वांसलर बनना है, क्यों उखाड़ रहे हो तुम। यह आज का सच है। और इस एक छोटी सी वाक्य मैं सुनाता हूं, हमें दुनिया भर से क्या मतलब है, हमें चुपचाप आंखें मूंदे अपने रास्ते पर चले जाना है। कमिश्नर की बेसिक पे 2500 से शुरू होती है, इन्हें कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंचना है। आप
जानते हैं रिटायरमेंट होने के बाद कोई घर पर नहीं बैठता है। यह किसी फर्म में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसी बोर्ड में लाइनेंस एडवाइजर, नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर। ये चरित्र आज राजनीति का है, नौकरशाह का है, व्यवस्था का है, जो ऐसा सोचता है वो। और ये आप कह सकते हैं कि मिस्टर अभिमन्यु कहीं ना कहीं जो कलेक्टर है, मिस्टर अभिमन्यु जैसे, राजन जैसे पात्र हैं जो आज की इस भ्रष्ट व्यवस्था को बढ़ाने में किसी ना किसी रूप से वो भी जिम्मेदार है, जो हमें स्वीकार करने पड़ेगी। और उनकी नीतियां, उनकी सोच आम आदमी की सोच से बहुत दूर की होती है, ऐसा इसमें पूरी तरह से ये लाल ने इसमें आज के चरित्र से इसको उठाया है। और कुछ बातें एकाध नाटकों की मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण नाटकों की बात कर लेता हूँ। राम की लड़ाई वही है, एक आम आदमी की लड़ाई। सब रंग मोह भंग, इसमें शिक्षा व्यवस्था का बंडा फोड़ है। कैसे आज की दिशाहीन शिक्षा प्रणाली है, रोजगारहीन है, अभी में किस तरह से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, ये सारा का सारा। और कैसे आज की युवा पीढ़ी या आज का समाज पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहा है, उसको लेकर तमाम तरह से जो समाज, जिस तरह से आदर्श जो समाज था, भारतीय संस्कृति के इतने महत्वपूर्ण मूल्य थे, वो मूल्य आज कहीं नहीं है। आज सारा ही बस पश्चिम वाला है। उसी को हम अपना करके, पहन करके, जान करके, देख करके, समझ करके गर्व महसूस करते हैं, आधुनिक महसूस करते हैं। आधुनिक होने का, आधुनिक सभ्य नागरिक बनने का वो हमारा एक प्रमाण मानते हैं उसको। एक अध्यापक की बात आती है इसमें, मैं खुद भी अध्यापक हूँ, मैं सारे देश के अध्यापक ऐसे नहीं हो सकते या ऐसे नहीं है, या सारा समाज करप्ट नहीं है, सारे समाज के लोग संवेदनहीन नहीं है, हर तरह का समाज, हर तरह का व्यक्तित्व हमारे समाज में मिलेगा। तो इसमें वर्तमान जो शिक्षा है, जो भ्रष्ट शिक्षा, उसको ये उठाता है। और आपको बताऊं, 1977 में ये नाटक लिखा गया था। जो अध्यापक या जो शिक्षक अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से परे रहता है, क्लास में लेक्चर लेना, लेखन करना, बच्चों के प्रति एक तरह से गंभीर रहना, उनकी समस्याओं पर ध्यान देना, इन सब विषयों से परे हटकर अलग ही दुनिया में एक प्रकार से अपना बसेरा रखता है और वो अलग ही जोड़ तोड़ में लगा रहता है, उस इसमें बहुत बड़ी बात बोलती है किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के लापरवाह बनते हैं। गंदी पॉलिटिक्स करने वाला टीचर एक दिन वाइस चांसलर हो जाता है। जिन्होंने आज भी, मैं कई उदाहरण बता सकता हूं, जो जीवन में कभी व्याख्यान, वो लेक्चर नहीं लिए, कई प्रिंसिपल बन गए, जिनके पास लेखन का पूरा कॉलम नहीं है, पूरी एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, इधर उधर जोड़ तोड़ करके वो पूरा अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है, चांसलर की योग्यता नहीं पर उसको बना दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर उसी जोड़ तोड़ में वो काम किए हैं। तो ऐसी शिक्षा रूपी जो भ्रष्टता है शिक्षा में, या ऐसी एक प्रकार से व्यवस्था है, उस पर भी आज सोचो कि 77-78 में लक्ष्मी नारायण लाल ये बात करते हैं, और ये आज भी हमारे समाज में पूरी तरह से मौजूद है। अरुण कमल एक, ये नाटक है, ये सबसे पहले इसका नाम गुरु रखा गया था, जो चाणक्य है, उस चाणक्य के चरित्र को लेकर के हैं, किस समय में किस तरह से वो अपने समय में राजनीति में भूमिका निभाता है, कैसे संघर्ष करता है और कैसे एक तरह से अखंड राष्ट्र की रक्षा करता है, ये सारा का सारा गुरु के माध्यम से किस तरह से एक अज्ञान, अनजान, ना समझ व्यक्ति कैसे गुरु के सहारे से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करता है, उन ऐसी तमाम विषयों पर इस नाटक में बहुत बड़ा एक तरह से जोर देता है। और चाणक्य खुद बोलता है गुरु के रूप में कि अध्यापकों को प्रेरित करूंगा कि देश में सर्वत्र
जाओ। जनता में नवजीवन के उद्बोधन के लिए सैन्य पराजय और निराशा के विरुद्ध लोक में विद्रोह का आविर्भाव करो, जागरण पैदा करो। यानी एक दायित्व जो है समाज के प्रति, उसको देखने का जो नजरिया है, उसको समझने का जो नजरिया है कि किस तरह से हम समाज में जन जागृति पैदा कर सकते हैं, कैसे राष्ट्र के प्रति इनमें प्रेम वाली भावना पैदा कर सकते हैं, उस तरह का जो एक प्रकार से जो दायित्व होता है गुरु का, वो सारा का सारा इस नाटक में ये रखते हैं। और इनका जो गंगा माटी नाटक है, कजरी वन है, यक्ष पर्सन है, चतुर्भुज राक्षस है, ऐसे तमाम इनके नाटक हैं। उन सब नाटकों में ये वही समाज की, राष्ट्र की, स्त्री की आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। कजरी वन की बात करके मैं अपनी बात रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि समय की एक सीमा होती है। कजरी वन नाटक एक नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण कर रहा है, और इसमें एक ऐसी नारी है जो अपने पुरुष से, अपने पति से लगातार अत्याचार सहती है, नृत्य भी कर रही है, हस्त कौशल का काम भी कर रही है, और वह अपने बच्चों का पेट पाल रही है। परंतु वो ये अत्याचार सहते हुए एक दिमाग में उसके जहन में ये रहता है, अपनी जो बच्ची है, अपनी जो बेटी है, उसको वो आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, ताकि एक दिन ये अपना फैसला खुद कर सके, इन अत्याचारों से मुक्त हो सके, आए दिन उनके ऊपर जो निर्भरता है, चाहे पैसों को लेकर के हो या और भी विषयों की जानकारी को लेकर, उन विषयों से ये वंचित, यानी उनको हर तरह से मजबूत करना चाहती है। ये दृष्टि इस नाटक में रखता है, यानी नारी की जो चेतना है, नारी की जो आत्मनिर्भरता है, या नारी के हक वाली बात है, या नारी का एक प्रकार से जो शोषण है उससे मुक्त होने की बात इस नाटक में 1980 में लक्ष्मी नारायण लाल बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाल उस समय में ही महत्वपूर्ण नहीं थे, आज ही पूरी तरह से प्रशंसनीय है, पूरी तरह से पठनीय है, और आज इनके जो साहित्य है, हालांकि नाटक इनके नाट्य आलोचना है कि इन्होंने 3-4 किताबें लिखी हैं, सौंदर्य है या आधुनिक रंगमंच और नाटक, रंगमंच देखना और जानना, किताबें इन्होंने नाटक पर लिखी जिनका कहीं जिक्र नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है ये उस समय में सनातन पे विश्वास करने वाले विद्वान थे, उस युग में एकमात्र है, और उस समय में सनातन वाली जो दृष्टि थी वो कम थी, उसको मानने वाले हो सकते हैं कम हैं लेखकों में, इसलिए हो सकता है कि ये हास्य पर गए हों। जो व्यक्ति भारतेंदु हरिचंद की तरह उपन्यास लिखा है, कहानियां लिखा है, एकांकियां लिखा है, जीवनी लिखा है, और नाटकों की इतनी बड़ी मात्रा में नाटक लिखे हैं, 35-40 नाटक लिखना, और वो भी समाज की हर तरह की समस्याओं से अवगत कराना, और उसके बावजूद भी नाट्य जैसी संस्थाएं स्थापित करना, प्रयागराज में भी, दिल्ली में भी जन्मदिन पर, और समय से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होना, लेखन के लिए इतना समर्पित समाज के लिए होने वाला व्यक्तित्व को हम कई बार उसको भूल जाते हैं। एक दो नाटक उसके जान पाते हैं कि मिस्टर अभिमन्यु और एक सत्य कर्फ्यू जैसे, जबकि इतना बड़ा नाटककार, इतना बड़ा एकांकीकार, उपन्यासकार, जीवनीकार, इतने बड़े नाट्य आलोचक, जिन्होंने हर दृष्टि से समाज, राष्ट्र और मनुष्य का जो जीवन था उसको पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया, और जो नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा था उनको बचाने का प्रयास किया, विदेशी जो संस्कृति उससे दूर रहने की बार बार सलाह देते हैं अपने नाट्य साहित्य में, तो ऐसे नाटककार को इस साहित्यिक बदकई फेसबुक मंच के माध्यम से इन बच्चों ने याद किया और मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ।
और सभी जो श्रोतागण आपने सुना, मेरे बच्चे, सहकर्मी, जितने भी सुन रहे हों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगभग 1.25 घंटे या 1.5 घंटे तक बहुत ध्यान से सुना। मुझे मालूम नहीं कितना मैं अच्छा बोल पाया हूँ नहीं, बाहर लक्ष्मी नारायण लाल के और भी बहुत नाटक थे, जल्दबाजी हो सकती है, कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो फिर हम लक्ष्मी नारायण लाल पर बात करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अपनी बात को वाणी देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।